हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग कुछ स्पेशल रहने वाली है। जैसे कि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या उनके इमोशंस होते हैं। ये चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखेंगे और जानेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। सो चलिए, आज की रीडिंग किन लोगों के लिए हो सकती है? आज की रीडिंग ये उन लोगों के लिए होगी जो लोग बहुत टाइम से नो कांटेक्ट जोन में हैं, बहुत टाइम से, ठीक है? या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है, या कहे तो लेस कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है? तो आज की रीडिंग हम उनके लिए ही कर रहे हैं। और आज की रीडिंग में हम ट्रूली देखेंगे कि क्या कुछ है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, है ना, आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो आपकी पार्टनर की एनर्जी में देखो तो आजकल आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी गायब गायब रहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि काफ़ी गायब गायब रहते हैं, ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता है इनका। अगर आप इनके दोस्त या फिर इनके जो है रिलेटिव से पूछते भी हो तो इनका उतना ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं चलता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन ने अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ से ये पर्सन स्टक हो गए हैं, वहाँ से ये पर्सन आगे नहीं निकल पा रहे हैं। और देखो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस के साथ घिर गए हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर का जो एक पॉजिटिव सा साइन है या पॉजिटिव सा एक्शन है, ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, ये पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा लगता है जैसे कि बदलाव अक्सर होते रहते हैं। ये पर्सन एकदम से कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो, ऐसा इनका दिखता रहता है। ये पर्सन को लगता है कि क्या ये सही वक्त है, क्या ये सही वक्त है कि ये पर्सन आपके करीब आए, ये पर्सन आपके पास आए। ये पर्सन को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये जो पर्सन है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन को अंदर ही अंदर जैसे कुछ खाए जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर कोई गिल्ट है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये पर्सन चाह करके भी नहीं निकाल पा रहे हैं, चाह करके भी ये पर्सन आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में गए हैं तब से ये पर्सन को ऐसा फील होने लगा है कि क्यों क्यों मैं नो कांटेक्ट में गया हूँ, क्यों मैं उसके साथ नहीं हूँ, क्यों ऐसा, क्यों, क्या वजह है हम दोनों के बीच की दूरियों का। आपके पार्टनर उन दूरियों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। कभी इनके सामने इनको लगता है कि मैंने कर्मा खराब किया है, ठीक, लेकिन ये कर्मा भी कैसा कर्मा है कि हम दोनों को दूर कर रहा है। आपके पार्टनर अपने आप को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये पर्सन ये भी जानते हैं कि ब्लेम करने से क्या होता है, ब्लेम करके क्या हो पाएगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ना बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं आपको लेकर, बहुत स्ट्रांग ये पर्सन की एनर्जी फील होती है कि अक्सर रातों में जब ये पर्सन सोने जाते हैं तो आपकी अचानक से इस पर्सन को याद आने लगती है। ये पर्सन को जिस प्रकार से आपकी याद आती है, ये पर्सन एकदम शॉक हो जाते हैं कि क्यों क्यों मुझे उसकी यादें आ रही हैं, इतने टाइम नो कांटेक्ट में रहने के बाद भी ये यादें क्यों, ये बातें क्यों। कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन इतना ज़्यादा मिस करने लगे हैं आजकल कि आपसे ये पर्सन अपनी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन को अचानक से आपकी याद, अचानक से आपकी कोई बात या आपका कोई, आपका नाम, जो आपका नाम इस पर्सन ने रखा था, इस पर्सन के सामने रिफ्लेक्ट होने लगता है अचानक से। सो ये पर्सन को लगने लगता है कि क्या हो रहा है ये मुझे, क्यों हो रहा है ये मुझे, क्यों ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है मुझे।
आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं वो हाव भाव आपको लेकर के आने लगते हैं कि इनको चलना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए, इनको आपके बारे में बातें करनी ही चाहिए, आपको लेकर के इनको डिस्कस करना होगा। ऐसे आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा रियल दिखाई दे रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि ट्रू फीलिंग्स में आपके पार्टनर आपको लेकर ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन का ऐसा मानना है कि ईश्वर जो है ना सब कुछ देखता है, सबकी सुनता भी है, सो ईश्वर इनकी भी सुनेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के जो वाइब रख रहे हैं, जो फीलिंग्स रख रहे हैं, देखिए इस पर्सन का ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन प्रभु श्री राम को बहुत मानते होंगे या महादेव, महादेव के लिए ये एनर्जी आ रही है, महादेव के भक्त ये पर्सन होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत प्यार से चीज़ों को करने की कोशिश लगातार हो रही है। अपने कर्मा पे जो है आपके पार्टनर को भरोसा है, आपके पार्टनर अपने कर्मा पे भरोसा करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कर्मा, मेरा कर्मा जो करवाएगा मैं करूँगा या करूँगी। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कर्मा को भी जो है देख रहे हैं और आपके पार्टनर अपने आप की फीलिंग्स, अपने आप के इमोशंस भी कंट्रोल कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपके जो यादें हैं, आपकी जो बातें हैं, आपके पार्टनर के माइंड में बैठ गई हैं। आपके पार्टनर उन बातों को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि मैं मैनिफेस्टेशन करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट ये पर्सन ये नहीं जानते हैं कि कुछ नॉर्मल नहीं होगा, खुद से ये पर्सन को ट्राई करना पड़ेगा आपके पास आने के लिए, आपके पास आकर अपने रिश्ते को सही करने के लिए पर्सन को खुद ट्राई करना पड़ेगा। ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने जो है इनके ऊपर नज़र रखनी स्टार्ट कर दी है, आप इनके ऊपर नज़र रख रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि यही शुरुआत करें आप नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हर एक्टिविटी को भी ये पर्सन जो है देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हो और ये आपको देख रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टकटकी लगा के बैठे हो। ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत दिल से चाहते हो कि वापस आ जाए, इस कनेक्शन को फील करे, प्यार को फील करे। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है ना दिख तो रहा है, लेकिन जो लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं ये पर्सन उन सारी चीज़ों की वजह से आपको डील नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपको कभी भी ऐसे अकेलेपन में नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस पर्सन ने आइसोलेट कर लिया है खुद को, इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। यहाँ पे दिख रहा है कि आइसोलेट करने का भी इनका खुद का ही जो है खुद का ही मन था। इस पर्सन का खुद का अपना जो कहते हैं ना कि अपने मन के मर्जी के मालिक है ना, तो ये पर्सन अपने मन के मर्जी के मालिक हैं। ये पर्सन को कभी कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके सामने भले ही ये कहते होंगे कि अरे यार मेरी फैमिली मुझे आने नहीं दे रही है, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मेरे पे नज़र रख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन भी जो है यहाँ पे खुद से ऑब्स्टिकल्स खड़ी कर देते हैं, खुद से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं, जो कि प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन कभी कभी आपको टटोलने लगते हैं कि आप क्या कहते हो, आपका मन क्या कहता है इनके लिए। आपके लिए जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं देखे, कहीं ना कहीं एक जो थॉट है वो बना हुआ है। ठीक है, ये पर्सन अपने दिल से, अपने मन से, खुद से समझौता कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको भूल जाएंगे, ये पर्सन आपको भूल जाएंगे, लेकिन ये पर्सन नहीं भूल पा रहे हैं। ये पर्सन ट्राई कर लिया है भूलने का, बट ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आप इनको देखोगे ना, भूलना आसान नहीं है इनके लिए, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये पर्सन कहीं दूर जाने का भी सोच रहे हैं आपसे। मतलब दूर जाने का मतलब यही है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि ठीक है, लाइफ है, थोड़ा सा
अपने आप को, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को, थोड़ा सा अपने इमोशंस को, देखते हैं कि कितना वर्क कर पाता है या कितना हम मूव ऑन कर पाते हैं। तो ये पर्सन मूव ऑन करने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने टाइम होने के बाद भी आप इनके दिल से, दिमाग से नहीं निकल पाए हो, तो ये अपने आप में कहीं बड़ी बात है कि आप इनके दिल दिमाग से कहीं निकल नहीं पाए हो। सो इसका मतलब यही है कि ये पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। ये पर्सन जिस तरीके से आपको लेकर के सीरियस हो रहे हैं, इनकी सीरियसनेस बढ़ रही है, वो सीरियसनेस कहीं कहीं ज़्यादा इनको ख़त्म करनी होती है या कहीं ज़्यादा इस पर्सन को ख़त्म करके यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ना होता है, तो ये पर्सन नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है ना कि आपके पार्टनर को आपके साथ जो चाहिए, जैसा चाहिए, एक परफेक्ट रिलेशनशिप, वो परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिल पा रहा है इनको। कहीं दूसरे में भी ये पर्सन ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो चाहिए वो आपके अलावा कहीं और नहीं है। ठीक, तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी क्लियर है कि यस, ये जो पर्सन है आपके साथ अपनी फीलिंग्स के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, और ये पर्सन आपके पास ना चाहते हुए भी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि अब जो है आप दोनों एक दूसरे को जितना मेंटल पीस दे सकते हो, अब जो है कोई और आप दोनों को मेंटल पीस वो नहीं दे सकता है। जो भी है, जैसा भी है, अब आपके पार्टनर आपके करीब आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बिछड़ कर नहीं रह पाएंगे, बस यही एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, ये लास्ट एनर्जी थी आपके पार्टनर राब की। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर पाई होगी। रेजोनेट कर पाई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हूँ मैं आपसे फिर से किसी दूसरे रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।